तो आदि पुरुष का फाइनल ट्रेलर आता है, उसके ऊपर हमने वीडियो बनाया, हम जाके देख सकते हैं। लेकिन यहाँ हम क्यों वीडियो बना रहे, क्यों? क्योंकि आदि पुरुष के ट्रेलर में साले इतना सारे मिस्टेक कर दिया है इन लोगों ने कि इसी ट्रेलर में जो है हम इतने सारे मिस्टेक देख सकते हैं। पता नहीं मूवी को ये लोग कैसे बनाएंगे। जहाँ देखिए, सबसे पहले तो देखो पूरे अंधेरे में ही ट्रेलर चल रहा है, पूरा अंधेरा ही। पता नहीं क्या इन लोग का शोक मना रहे हैं कि डिप्रेशन में है भगवान, या पता नहीं यहाँ कभी दिन ही नहीं होता, शायद अंधेरे में ही चल रहा है। तो देखिए सबसे पहले गलती ट्रेलर में शुरुआत में ही, देखो माता सीता को जो सैफ अली खान मतलब रावण जो है बंदी बना के ले जा रहे हैं, फिर जो भी हरण करके ले जा रहे हैं, लेकिन लग तो बंदी बना कर लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा मिस्टेक यही है कि क्योंकि भाई ये ओम राउत का खुद का इमेजिनेशन है। आप वाल्मीकि रामायण पढ़ लो, आप कंब रामायण पढ़ लो, आप तुलसीदास जी का रामचरितमानस पढ़ लो, कहीं पर भी माता सीता को ऐसा ले जाया नहीं जाता। बल्कि वहाँ रावण और माता सीता में कई छंदों तक, कई जो श्लोक तक वाद विवाद होता रहता है। जब जहाँ रावण जो है प्रलोभन देता है माता सीता को, मेरे साथ चलो तुम्हें रानी बना के रखूंगा, ये वो बाकी सब, तो माता सीता उसे ठुकराती रहती है, नकारती रहती है। तब रावण जो है माता सीता को जबरदस्ती बालों से पकड़ के, मतलब कुछ इस तरह से पकड़ के उन्हें ले जाया जाता है, ना कि ऐसे कुछ बांध के ले जाया। ये प्योर ओम राउत के इमेजिनेशन है। मैं समझ रहा हूँ आप में से कोई लोग तो कह देंगे कि ओम राउत जो है माता सीता को और रावण का हाथ लगाते हुए नहीं दिखा देना चाहते, तो सही बात है ये। लेकिन जो है खिलजी की तरह जो रावण को दिखाया जा सकता है, इतना बड़ा राक्षस दिखाया जा सकता है, तो माता सीता को जब वो हरण कर ले जा रहे, तो इसको क्यों आप छुपा रहे हो, मतलब ये क्या दिखाना चाहते हो? मिस्टेक नंबर दो, आगे देखो, जहाँ प्रभास मतलब भगवान श्री रामचंद्र जी कहा जाता है कि ऐसे तरह इस तरह से युद्ध करो कि आने वाले जो भविष्य है उसमें जो है भारत की किसी भी जो है स्त्री को, किसी भी महिला को जो है वो जो है दुराचारी है, मतलब उनको हरण करने से, फिर उनके बारे में कुछ गलत सोचने से वो डरे। अर्थात भारत, इस शब्द में भारत का उपयोग किया गया है। उस दिन के लिए लड़ना जब भारत की किसी बेटी पर हाथ डालने से पहले दुराचारी तुम्हारा पौरुष याद करके थर्रा उठेगा। मतलब तो आप बोलोगे क्या भारत देश है तो भारत का उपयोग किया जाए, तो भाई भारत नाम कब पड़े ये तो सोचो पहले, क्या जानते हो? तो भारत नाम जो है महाभारत, मतलब तो भारत नाम जो है द्वापर युग में आया, महाभारत के समय, जब अभिज्ञान शाकुंतलम में जो है कवि कालिदास ने भी लिखा है, और ये महाभारत में भी आता है कि राजा दुष्यंत और शाकुंतला के जो पुत्र हुए थे महाराजा भरत, उनके नाम पे इस देश का नाम जो है भारतवर्ष पड़ा था। उससे पहले जो है इस देश को जो है आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था। तो इसमें जो भारत शब्द उपयोग किया गया, जहाँ एक और एजेंडा को जो है ये पेश करती है। क्यों? क्योंकि जो है कई लोग बोलते हैं ना कि द्वापर युग जो है पहले था त्रेता युग के, तो इस प्रकार से जो है ये एजेंडा को भी एक सेपरेट करके दिखाती है। अगर ये मिस्टेक होगा फिल्म वालों के तो उसे भी काट लेना चाहिए, लेकिन इस तरह से वैसे ही दिखाया जा रहा है। और प्रभास के मैं इस डायलॉग से तो अलग ही लेवल का ऑब्जेक्शन हूँ पहले ट्रेलर से, जहाँ लड़ोगे ये बोलते हैं वो, मतलब भाई कोई बेवड़ा, मतलब क्षमा चाहूंगा, लेकिन कोई बेवड़ा बोल रहा है ऐसे क्यों लग रहा है कि लड़ोगे? भाई एकदम सजीव टाइप लग रहा है, सुन के देख लो बार बार, लड़ोगे लड़ोगे। तीसरा मिस्टेक क्या, मैं डायरेक्ट दिखाई देता हूँ, देख लो दोनों साइड कंपेरिजन कर लो। बाहुबली का प्रभास एक तरफ है, आदि पुरुष का प्रभास, भाई भाई वो तेज कहाँ है? वो जो पर्सनालिटी चाहिए भगवान श्री रामचंद्र के, अरुण गोविंद का तस्वीर देख लो, लो देखो तो ये जो तेज है ये है कहाँ भाई, कहाँ खो दिए हो आप? राजा मौली के साथ रह के तो बाहुबली में प्रभास का अलग ही तेज देखने को मिलता था, वो जो राजसी जो चेहरे में जो तेज होती है ना, वो छत्री वाला वो दिखता था। लेकिन यहाँ भाई क्या हुआ, किसी ड्रग्स लेके नशे में पड़े हुए हो क्या, किसी मोटे अंकल की तरह, मतलब भाई तेजहीन चेहरा दिख रहा है। ये तो सबसे बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी को ही अब आप तेजहीन दिखाओगे तो बाकी कैरेक्टर से आप क्या उम्मीद रखोगे? तो सबसे बड़ा मिस्टेक जो है आगे आता है वो ये है कि देखिए यहाँ पे प्रभास मतलब भगवान श्री राम से का डायलॉग है कि मैं इक्ष्वाकु वंशज राम जो है आपके छाती में ब्रह्मास्त्र गाड़ने को विवश हूँ। अर्थात छाती में, मेरे हिसाब से ये डायलॉग जो है रावण को ही कहा जा रहा होगा, क्योंकि ब्रह्मास्त्र से वो उसी को जो है नाभि व्यवहार करके जो है उसको मृत्यु पहुँचा जाता है। लेकिन अर्थात ये बात जो है रावण के विषय में ही कही जा रही होगी, रावण से कही जा रही होगी। तो सबसे पहली बात, ब्रह्मास्त्र से रावण के नाभि व्यवहार किया जाता है, इस कारण से उसका जो नाभि में जो अमृत कमंडल होता है, और जिस कारण से उसके नाभि में जो अमृत होता है उसे जो है सोख कर जो है रावण की हत्या की जाती है, फिर उसका वध किया जाता है जो भी। तो इसमें जो है अगर रावण को ये बोला जा रहा है तो सबसे बड़ा गलत यही है भाई, क्योंकि ब्रह्मास्त्र उसकी छाती में उसकी नाभि में मारा जाता है। बाकी बात करें तो एकदम सिंपल है, नोटिस करने लायक भी नहीं है। जहाँ सीरियस राम है, फेक रावण है, मौलाना वाला खिलजी वाला जो भी मौलाना हनुमान जी है, कृति सनन को क्या बोले, कृति सनन का ये डायलॉग देखो, वो आएंगे, मुझे पता नहीं टोनी स्टार्क का एवेंजर का ये डायलॉग, वो आएंगे जब वो आएंगे, और वो जरूर आएंगे, और वो आएंगे, ये वाला डायलॉग क्यों आ जा रहा है? और बाकी तो फेक सीता हरण है, फेमिनिस्ट राम है, मतलब ऐसे लग रहा है कि राम जी जो है किसी मतलब भड़काऊ भाषण दे रहे हैं हिटलर की तरह, कि हमारा ही है, ऐसे टाइप से कुछ उनको ऐसी लग रहा है। मतलब क्या बात करें भाई इस मूवी के ट्रेलर के बारे में, इतने सारे मिस्टेक तो मैंने आपको ही बता दिया। तो आपको इस कारण क्या कहने का, जय श्री राम, हर महादेव।